सब्सक्राइब कीजिए संदीप ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी नौकरी मिस ना हो तो सब्सक्राइब कीजिए संदीप ज्ञान को। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में जो विजिल विभाग में जो अभी पदों की घोषणा हुई है उसके बारे में कि कितने पदों पे ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो वीडियो पे चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो पे। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, आज प्रेस वार्ता हुई थी ऊर्जा मंत्री के साथ, उन्होंने 12,000 पदों के स्वीकृति दी गई है जिसमें से 760 से ज़्यादा एनजीएन के और 170 अकाउंटेंट के और 1300 एलडीसी की वैकेंसी के पदों पे भर्ती होगी। इसी के ही साथ 9,000 से ज़्यादा तकनीकी कर्मचारी की भर्ती को मंजूरी दे दी है। फिलहाल राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो इसमें न्यूज़ में क्या क्या दे रखा है इसमें आप देख सकते हैं। और उन्होंने साथ ही ये भी घोषणा की है कि जो हर महीने आपके घर बिल पहुंच जाएगा, इसकी जनता ने सराहना भी की है। और इसी के ही साथ उन्होंने घोषणा की है कि साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी एक वर्ष में बिजली विभाग में करीबन 12,000 पदों पर भर्ती होगी जिनमें एनजीएन अकाउंटेंट एलडीसी और तकनीकी कर्मचारियों के पद शामिल होंगे। तो फिलहाल आज मंगलवार को प्रेस वार्ता हुई थी, इसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि 12,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो मित्रों, आज ये न्यूज़ मिली थी तो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ बाकी है राजस्थान गवर्नमेंट की जिन्होंने उन्होंने निकाल दिया भर्तियाँ, लेकिन कंप्लीट अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हो रही है राजस्थान में। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी कमेंट में राय दें कि राजस्थान में जो भर्तियाँ हो रही है वे संपूर्ण हो रही है या नहीं, तो आप कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।